हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज की इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। स्ट्रिंग के सभी लोअर केस अल्फाबेट्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इस स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करना होगा, तभी हम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स पे जाएंगे और अगर वो लोअर केस होंगे तो उन्हें अपर केस अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पूरे स्ट्रिंग पे ट्रवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि स्ट्रिंग अपने आप में एरे या वेक्टर की तरह बिहेव करता है, तो हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे और स्ट्रिंग के हर इंडेक्स पे रखे हुए कैरेक्टर्स को चेक करेंगे। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल लोअर केस अल्फाबेट्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें बस यही चेक करना है कि अगर इस स्ट्रिंग के किसी पे कोई लोअर केस अल्फाबेट कैरेक्टर होता है तो उसे बस अपर केस में कन्वर्ट करना है, बाकी के सभी एलिमेंट्स को एज इट इज अपने स्ट्रिंग में स्टोर करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक और सेम साइज की स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। इस स्ट्रिंग के सभी एलिमेंट को सेम प्लेस पे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हमें दूसरी स्ट्रिंग लेने की कोई नीड नहीं है, पर आसानी के लिए हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लेंगे। अब लोअर केस कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम इस स्ट्रिंग पे एक फॉर लूप की हेल्प से ट्रवर्स करेंगे, जीरोथ इंडेक्स से शुरू करेंगे। अगर कैरेक्टर अपर केस है तो उस केस में हमें इसे डायरेक्टली एज इट इज उस नई स्ट्रिंग में स्टोर करना है, तो हम एच को एज इट इज स्टोर कर देंगे। अब हमारे पास आता है ई। ई लोअर केस कैरेक्टर है, तो इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि ये लोअर केस कैरेक्टर है? तो इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हम ASCII वैल्यूज की हेल्प लेंगे। हमें पता है जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं उनकी ASCII वैल्यू 65 से शुरू होकर कैपिटल जेड की ASCII वैल्यू होती है 90। यानी जो भी कैपिटल कैरेक्टर्स होंगे वो 65 से लेकर 90 के बीच में होंगे, यानी उनकी ASCII वैल्यू 65 से लेकर 90 के बीच होगी। और अगर कोई लोअर केस कैरेक्टर होंगे तो उनकी ASCII वैल्यू 97 से लेकर स्मॉल z की ASCII वैल्यू होगी 122। बस हम यही चेक करेंगे, अगर कोई कैरेक्टर जिसकी ASCII वैल्यू 97 से लेकर 122 के बीच में लाई कर रही है तो डेफिनेटली वो कैरेक्टर लोअर केस कैरेक्टर है। हमने इस ई को आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये लोअर केस कैरेक्टर है, अब इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर हम इसकी ASCII वैल्यू देखें तो इसकी ASCII वैल्यू क्या होगी? अगर स्मॉल ए की ASCII वैल्यू है 97 तो 98 बी की होगी, 99 सी की होगी, 100 डी की होगी और 101 इस ई की होगी। 101 इस ई की ASCII वैल्यू होगी। अब हमें इसे अपर केस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो अपर केस कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू 65 से लेकर 90 तक है, तो इसमें हम मान लीजिए हम यहां पे ए की ही बात कर लेते हैं, अभी ई को होल्ड पे रखते हैं। मान लीजिए हमें इस स्मॉल ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉल ए की ASCII वैल्यू हमें पता है कि 97 है, कैपिटल ए की ASCII वैल्यू हमें पता है 65। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि 32 है, यानी स्मॉल ए से कैपिटल ए के बीच का डिफरेंस 32 है। तो बी का भी कैपिटल बी और स्मॉल बी का भी डिफरेंस 32 होगा, सी का भी वही होगा, डी ई एफ जी एच और जेड तक के सभी एलिमेंट्स का डिफरेंस 32 होगा। यानी अगर हम इस 101 में से 32 को माइनस कर देंगे तो हमें कैपिटल ई की ASCII वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में हमें यहाँ पे मिलेगा 9, यानी 69। तो अब ए की ASCII वैल्यू 65, बी की होगी 66, सी की होगी 67, डी की होगी 68, ई की होगी 69। यानी
ASCII वैल्यू में से 32 को माइनस करके कैपिटल कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसी अप्रोच को यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमें कैपिटल E की ASCII वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इस इंडेक्स पे इस E के कैपिटल फॉर्म को स्टोर कर देंगे, यानी यहां पे हम E को स्टोर कर देंगे। फिर सॉरी, इस केस में हमारा I इंक्रीज भी तो होगा H के बाद, E का काम होने के बाद I फिर से इंक्रीज होगा। अब यहां पे हम चेक करेंगे, हमारी if कंडीशन ऐसी रहने वाली है, जैसे ही हम 32 को माइनस करेंगे उस कैरेक्टर में से, तो वो उसकी ASCII वैल्यू में से माइनस होगा। पर जब हम इस नई स्ट्रिंग पे इस s of i जो कैरेक्टर है उसे स्टोर करेंगे, तो उसकी कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होगी। यानी जब भी हम माइनस या प्लस ऑपरेशन करेंगे तो कैरेक्टर्स की ASCII वैल्यू के साथ होंगे, पर जब भी हम कैरेक्टर्स को असाइन करेंगे तो वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में ही असाइन होंगे। यानी यहाँ पे जब हम चेक करेंगे हमारी ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी इस एल की ASCII वैल्यू 97 से लेकर 122 के बीच में लाई कर रही है। तो हम इस एल की ASCII वैल्यू में से 32 को माइनस कर देंगे तो हमें कैपिटल एल की ASCII वैल्यू मिल जाएगी। इस कैपिटल एल की ASCII वैल्यू इस एस ऑफ आई में स्टोर हो जाएगी, पर इसका डेटा टाइप कैर है, यानी ये अपने आप में एक कैरेक्टर है। तो जब हम इसे स्टोर करेंगे पी स्ट्रिंग पे, तो यहाँ पे स्टोर होगा कैरेक्टर फॉर्म में कैपिटल एल, और सेम प्रोसीजर आगे के सभी एलिमेंट्स पे होगी। यहाँ पे आएंगे तो भी हमें कैपिटल एल ही मिलेगा, और यहाँ पे आएंगे तो ओ स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस एज इट इज स्टोर हो जाएगी। इस केस में हमारी इफ कंडीशन नहीं चलेगी, तो हम सीधे ही इन एलिमेंट्स को इस स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे। तो चलिए इसके एल्गोरिदम को वीएस कोड पे इंप्लीमेंट करते हैं। स्ट्रिंग का कोड यूज करने के लिए उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है और एक स्ट्रिंग एस क्रिएट की है। अब हमें इस स्ट्रिंग के स्मॉल जो अल्फाबेट्स हैं उन्हें कैपिटल में कन्वर्ट करना है और उन्हें एक और स्ट्रिंग में स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम एक और स्ट्रिंग पी क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग पी, ब्रैकेट में इसकी साइज और डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं हम, जैसा कि वेक्टर में कर रहे थे। तो यहाँ पे इसकी साइज हम रखेंगे एस डॉट साइज ऑफ, और डिफॉल्ट वैल्यू हम रखेंगे स्पेस कैरेक्टर। हेल्प से हमारी एक पी स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है जिसकी लेंथ एस स्ट्रिंग के इक्वल है और उसके हर इंडेक्स पे एक स्पेस रखी हुई है। अब हम फंक्शन की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि फंक्शंस को भी हम समझते जाएं। तो यहाँ पे एक फंक्शन कन्वर्ट बनाएंगे हम, उस कन्वर्ट फंक्शन में स्ट्रिंग एस और स्ट्रिंग पी को पास करेंगे। हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हम इसका रिटर्न टाइप void रखेंगे, void convert, और string ampersand operator के साथ इस string को हम रखेंगे ताकि जो भी चेंजेस हम इस फंक्शन में करें वो हमें मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट हो। उसके बाद सेकेंड पैरामीटर हमारा है स्ट्रिंग p। अब एक फॉर लूप की हेल्प से स्ट्रिंग एस पे ट्रावर्स करेंगे। अब ये चेक करेंगे इफ एस ऑफ आई, यानी स्ट्रिंग के आईथ इंडेक्स पे रखा हुआ कैरेक्टर अगर ग्रेटर देन इक्वल 97, एस ऑफ आईथ कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल 122, यानी वो स्मॉल अल्फाबेट है। तो इफ कंडीशन में हम फिर उसे कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम एस ऑफ आई माइनस इक्वल 32 करेंगे ताकि लोअर केस कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद इफ कंडीशन के बाहर हम पी के आईथ इंडेक्स पे हमेशा एस के आईथ इंडेक्स पे रखे हुए कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे। जब इफ कंडीशन ट्रू होगी उस केस में लोअर केस कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और एस ऑफ आई की वैल्यू अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, और इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एस स्ट्रिंग का कैरेक्टर एज इट इज पी स्ट्रिंग पे स्टोर हो जाएगा। फंक्शन कंप्लीट हो गया है, अब हम पी को प्रिंट करेंगे, सीआउट पी हेलो वर्ल्ड।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। हम मिलते